दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु को बचाने के लिए बहुत सारी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी है। आज आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद विवाद शुरू हो गया है। आतिशी के नाम को लेकर भी विवाद है। आतिशी का नाम है आतिशी मार्लेना सिंह और इस मार्लेना शब्द कहां से आया इस पर भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। इस बात का भी हम विश्लेषण आगे वीडियो में करेंगे, साथ ही उस बात का विश्लेषण करेंगे कि अफजल गुरु के फांसी ना होने पर आतिशी के माता पिता ने कौन सी पिटीशन भेजी थी, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों छोड़ दिया अपना मुख्यमंत्री का पद और आतिशी को ही क्यों बैठाया मुख्यमंत्री के पद पर, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम आपको यह बताएंगे कि कौन कौन से वो मुख्यमंत्री हैं जो बगैर किसी परिवारवाद के मुख्यमंत्री बने लेकिन उनका बाद में अपने ही पार्टी के लिए क्या स्टैंड रहा, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आतिशी मार्लेना सिंह के उस पहले विवाद पर जिसे स्वाति मालीवाल ने शुरू किया है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी से इनका पुराना गहरा नाता है लेकिन वर्तमान समय में ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं काम करती हैं ऐसा माना जाता है। तो चलिए स्वाति मालीवाल के बयान से शुरू करते हैं पूरे मामले को। दिल्ली को लेकर बयान दिया गया है, लिखा है दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनका परिवार ने जिसके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उनके माता पिता आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी है। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेन सिर्फ डमी सीएम है फिर भी यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति मालीवाल सीधे सीधे यह कह रही हैं कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने की पूरी कोशिश की है और आज आतिशी ही सीएम बनी है इसलिए दिल्ली को बहुत खतरा है क्योंकि अफजल गुरु एक आतंकवादी था। यह बड़ा आरोप लग रहा है दिल्ली के सीएम पर। स्वाति मालीवाल ने लेटर जो उस समय यानी 19 अक्टूबर 2006 को आतिशी के माता पिता ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था उसकी एक कॉपी जो है वो ट्वीट की है, उसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। स्वाति मालीवाल के अनुसार जो उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें राष्ट्रपति महोदय से अफजल गुरु को बचाने की दरखास्त की गई थी उस लेटर के कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भारतीय संसद पर हुए क्रूर हमले की गंभीरता को देखते हुए भारत के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वास्तव में क्या हुआ था, मास्टरमाइंड कौन थे, हमले की योजना कैसे बनाई गई थी, सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई गई थी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि केवल मोहम्मद अफजल को दी गई सजा को रद्द किया जाए बल्कि पूरे प्रकरण की संसदीय जाँच कराई जाए। हम संसद के हमलों के मामले के आरोपी मोहम्मद अफजल को 20 अक्टूबर 2006 को फांसी दिए जाने के सत्र न्यायालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। फांसी न केवल न्याय को मजाक होगा बल्कि इससे देश की शांति धर्मनिरपेक्ष और ताने बाने और आतंकवाद की भयावह समस्या से निपटने की क्षमता पर भी दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी आपत्तियां इस प्रकार हैं। ये लेटर काफी बड़ा है, इसमें अफजल गुरु यानी आतंकवादी जिसे भारत ने घोषित किया है जिसको फांसी हो चुकी है 2006 में आतिशी के माता पिता ने वही पिटीशन दाखिल की थी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, मर्सी पिटीशन बोलते हैं, कि अफजल गुरु को जो फांसी की सजा है वो माफ कर दी जाए और उस मामले की और जांच कराई जाए। यही बात आज स्वाति मालीवाल ने इस लेटर को सार्वजनिक करके किया है। अब मैं आपको आतिशी चूंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है उनके बारे में आपको बताता हूं कि आतिशी की शुरुआत कहां से हुई। आतिशी का जो पूरा नाम है आतिशी मार्लेना सिंह है। इनका जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम विजय सिंह है और माता का नाम तृप्ता वाही है। पति का नाम प्रवीण सिंह है और शिक्षा जो है शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई थी। इतिहास में मास्टर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। 2013 में इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 2013 में ये आप ज्वाइन की यानी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया लेकिन
कहने वाले कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि ना तो इनका अन्ना मूवमेंट से कोई लेना देना है, ना तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई लेना देना है, इसलिए क्योंकि 2013 को इन्होंने आप ज्वाइन की थी, इससे पहले इन्होंने कोई योगदान नहीं किया था। मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर बनती हैं 2015 में, एमपी के खांडवा में जल सत्याग्रह का हिस्सा बनती हैं, खांडवा से आप नेता आलोक अग्रवाल को सपोर्ट करती हैं। 2015 से 2018 तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की एडवाइजर रहती हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उसमें गौतम गंभीर इन्हें 4,77,000 वोट से हरा देते हैं, मतलब गौतम गंभीर से चुनाव हार जाती हैं। 2020 में कालिका जी की विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। उसके बाद 2020 में ही गोगा यूनिट की इंचार्ज बन जाती हैं। 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बनती हैं, महिला विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कला संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, सब इनके हिस्से में आ जाता है। अब समझिए ये सफर शुरू होता है 2013 से और आतिशी 2024 में मुख्यमंत्री बन जाती है। कहा जाता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी नेता हैं आतिशी। आतिशी पर ये लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोनों लोगों के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर चीजों को सही करने के लिए आतिशी ही आगे आती थी और उसे बेहद अच्छे तरीके से कर लेती थी। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा आतिशी पर अधिक था और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरुआत में मैं आपसे कहा था कि आतिशी जी का पूरा नाम है आतिशी मार्लेना सिंह। अब इसमें मार्लेना कहां से आया, मार्लेना कहां से आया इसको बताता हूं। मार्लेना का मतलब यह मार्क्स और लेनिन से जुड़ा हुआ एक नाम है और इस स्वरूप का निर्माण आतिशी के माता पिता ने ही किया था। उन्हें कार्ल मार्क्स और लेनिन बहुत पसंद थे, इसलिए कार्ल मार्क्स और लेनिन के थोड़े थोड़े नामों को लेकर एक मार्लेना शब्द का उपयोग किया गया जो आतिशी के नाम के आगे लगाया जाता है। बता दें जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मन के दार्शनिक थे और लेनिन जो थे वो रूस के दार्शनिक थे। दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, शोषणकारी मानसिकता को उजागर करना, मजदूर वर्ग की आवाज उठाना और तमाम जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर अपनी बातों को रखना, इसलिए मार्लेना शब्द आतिशी के आगे उपयोग किया जाता है। अब आपने समझा होगा कि आतिशी मार्लेना सिंह क्यों लिखा जाता है, उसमें क्या नाम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया और क्या कारण थे इस्तीफा देने के अरविंद केजरीवाल के। दिल्ली के शराब नीति में अरविंद केजरीवाल को 177 दिन बाद जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, ना ही वो किसी फाइल पे साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं था। वो मुख्यमंत्री हटाया तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप जेल से बाहर जा रहेंगे, किसी भी गवाह साक्ष को इधर उधर नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के पद पे तो रहेंगे लेकिन आप कोई साइन नहीं कर सकते, फाइल नहीं टच कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसलिए पूरी पार्टी ने यह फैसला किया कि मुख्यमंत्री ही बदल देते। अब इसके पीछे भी एक रीजन था, अब 5 महीने का ही मात्र कार्यकाल बचा हुआ था। अब 5 महीने का जो कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद आतिशी को दे दिया है। अब आतिशी मुख्यमंत्री का काम देखेंगी। 177 दिन से आतिशी ही एक तरीके से मुख्यमंत्री का काम देख रही थी, अब भी वो देखेंगी उसी तरह। और केजरीवाल को खुली छूट मिल जाएगी दिल्ली में प्रचार करने के लिए। केजरीवाल अभी भी आम आदमी पार्टी के संयोजक रहेंगे, प्रोटोकॉल अभी भी वही सेट रहेगा और पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सुरक्षा भी वही रहेगी और लोकप्रियता केजरीवाल की बहुत ज्यादा है। तो अब उनको पूरा मौका मिल जाएगा दिल्ली में 2025 के चुनाव का ठीक से प्रचार करने में। साथ में हरियाणा में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव, झारखंड में भी चुनाव है, माफ कीजिएगा, और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी वहां पर भी चुनाव अगर लड़ेगी तो केजरीवाल वहां पर भी प्रचार कर सकेंगे। और दूसरा, ईमानदार नेता की एक छवि प्रस्तुत करेंगे। आप समझिए ईमानदार नेता की, लगातार विपक्ष साथ कह रहा था केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, इतना बड़ा उन पे आरोप लगा है। केजरीवाल ने जैसे ही बाहर निकला कहा लो इस्तीफा। अब एक नई चीजें हो गई ना, वो जनता के बीच में जाएंगे कहेंगे
कहेंगे कि लोगों ने कहा कि हमको इस्तीफा दे दीजिए, इस दबाव में मैंने इस्तीफा दे दिया। अब जनता से विनती करेंगे, कहेंगे कि अब आप ही हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तो अब दोबारा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं है, इसीलिए हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसलिए केजरीवाल की लोकप्रियता इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी और उम्मीद ये की जाएगी कि अगले चुनाव में केजरीवाल जो है फिर से जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर आतिशी की जगह केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे पहले समझते हैं 2014 में जो है नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद, पावर बनने के बाद जीतन राम मांझी बदल गए नीतीश कुमार के अनुसार। 2024 में ही ताजा उदाहरण है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और मुख्यमंत्री बनने के लिए वापस आए, वैसे चंपई सोरेन के सुर बदल गए। वर्तमान समय में सबसे करीबी हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन, जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया था, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ ना आ जाए कि 5 महीने के बाद जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहें तो आतिशी बगावत कर दे। तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आतिशी की परिपक्वता राजनीति में अभी इतनी नहीं है जितनी जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन की थी। इन लोगों का आधा जीवन इसी राजनीति में बीत गया और इनकी अपनी भी एक बहुत बड़ी विचारधारा है, खुद की एक खुद का समर्थन है, एक लॉबी है, एक जनता का बड़ा समर्थन इनका खुद का है। इनके अपने वजह से 10-12-15 विधानसभा या लोकसभा जीत सकता है कोई या हासिल कर सकता है, इनकी अपनी अलग पहचान है। और आतिशी को राजनीति में आए अभी बहुत कम समय हुआ है, इसलिए आतिशी ऐसा नहीं करेंगी। तो ये फिलहाल भविष्य की बातें हैं कि आतिशी करेंगी क्या, क्या नहीं करेंगी। लेकिन तीसरी बार ऐसा देखा जा रहा है देश में कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद जो होता है उसे थोड़े थोड़ा दरकिनार किया है। लोग कह रहे थे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को बनाएंगे, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बनाया था, इसी तरह देश में और कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। लेकिन परिवारवाद यहां पर किनारे रखा गया और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक सफल प्रयोग किया है और हो सकता है अरविंद केजरीवाल की राजनीति इससे और ज्यादा चमक जाए। फिलहाल आतिशी बेहतर काम कर रही थी इससे पहले भी, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और मुझे उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और बेहतर काम करेंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।